बेटा कैसे हैं आप सभी। और आज हम बात कर रहे हैं बेटा आपकी 12th क्लास में हिंदी इलेक्टिव की जो पाठ्य पुस्तक है अंतराल। जैसे कि आपको मालूम ही है कि उसमें से 3 पाठ हैं जो आपके सिलेबस में हैं। पहला सूरदास की झोंपड़ी, दूसरा बिस्कोहर की माटी, तीसरा अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता में। तो बेटा आज मैं आपके लिए इन 3 पाठों के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भैरों ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरों ने सूरदास की झोपड़ी बदला लेने के लिए जलाई। वह कई कारणों से सूरदास से बदला लेना चाहता था। पहला है सुभागी को शरण देने के कारण। भैरो अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था और एक दिन भैरो की मार से बचकर वह सूरदास के शरण में चली जाती है और सूरदास उसे शरण देता है और भैरो की मार से बचाता है, जिससे भैरो की काफ़ी हंसाई होती है, पूरे गांव में उसकी बदनामी हुई थी। दूसरा है, भैरों के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण सुभागी द्वारा बार बार पति की मार से बचने हेतु वह सूरदास के घर जाकर छिप जाती थी, तो सूरदास के द्वारा बीच बचाव करके सुभागी को वह भैरों की मार से बचाना ही भैरों के मन में ईर्ष्या भाव जगा देता है और वह सूरदास से बदला लेने का निश्चय कर बैठता है। और बेटा एक दिन उसको मौका मिलता है और वह सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। दूसरा प्रश्न है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये वाला प्रश्न। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। यानी कि आपको इस प्रश्न में सूरदास के चरित्र की विशेषता बतानी है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस वाक्य से हमारे सामने सूरदास का एक सशक्त चरित्र उभर कर सामने आता है जिसमें कई विशेषताएं हैं। पहला, निर्णय लेने की क्षमता। सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर स्वयं पर हावी नहीं होने देता है, वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। वह अपनी झोपड़ी जलने पर भी उसने ऐसा ही किया, वह रोता नहीं है। थोड़ी देर उसको दुख जरूर होता है लेकिन वह जल्दी ही इस स्थिति से बाहर निकल जाता है। दूसरा है जो हमें उससे सीखने को मिलता है, वह है हार ना मानने की प्रवृत्ति। सूरदास जीवन की विषम तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और वह पुनः परिश्रम करने को तैयार रहता है। तीसरा, मेहनती। सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए और आगे भी वह मेहनत करने से नहीं कतराता। जब उसकी पोटली चुरा ली जाती है तो वो यही सोचता है बाद में कि पैसे मैंने ही तो कमाए थे, तो क्या मैं आगे नहीं कमा सकता। तो इससे हमें सूरदास के मेहनती होने का पता चलता है। नेक्स्ट है, प्रतिशोध की भावना से मुक्त। प्रतिशोध होता है बेटा बदला लेना। उसके मन में बदला लेने की भावना नहीं है। सूरदास किसी से भी बदला लेने की भावना नहीं रखता। भैरों के विषय में पता चलने पर भी वह उसे नुकसान पहुँचाने की नहीं सोचता। अगला है, सहृदय एवं परोपकारी। सूरदास कोमल हृदय का है, जिसमें स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी वह सुभागी को शरण देता है और अंत में भी सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता है। और सूरदास ने अपनी पोटली में जो रुपए इकट्ठे कर रखे थे वह उनसे गांव में कुआं भी खुदवाना चाहता था, तो इससे पता चलता है कि वह परोपकारी भी था। अगला है, आशावादी दृष्टिकोण। सूरदास भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है और वह अतीत को भूलकर भविष्य को फिर से सुधारना चाहता है। अगला है, संकल्प का धनी। सूरदास अपने संकल्प का धनी है। वह जो सोच लेता है उसे पूरा करने की ठान लेता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो इसे आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब अगला प्रश्न है, सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि भैरों ने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने से पहले उसकी पोटली चुरा ली थी और यह बात स्वयं भी भैरों जगधर को बताता है, लेकिन सूरदास
अपनी जमा पूंजी के बारे में जगधर को नहीं बताना चाहता था, वह जानबूझकर रुपए की पोटली की बात को छिपा गया। जबकि जगधर को बैरव से पता चल गया था कि उसने सूरदास की झोपड़ी में से जो थैली उठाई है उसमें 500 से अधिक रुपए हैं। वह यह कहता है कि मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, रुपए की थैली होती तो भीख मांगता। तो वह अपनी इस बात को जगधर से इसलिए गुप्त रखना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि एक अंधे व्यक्ति के लिए, एक अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता यानी गरीबी इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि धन का होना। दूसरा कि भिखारी के लिए धन संचय करना पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। तीसरा, भिखारी के पास धन होने की बात प्रकट होने पर भीख मिलने की संभावना भी कम हो जाती, इसलिए सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि की बात को गुप्त रखना चाहता था। अगला प्रश्न है, कोइया किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो बेटा कोइया एक प्रकार का जल पुष्प है, उसे कुमुद और कोकाबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में जहाँ भी पानी एकत्रित होता है कोइया फूल उग जाता है। रेलवे लाइनों के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा होता है, इसमें कोइया फूलता है। कोइया सर्वत्र देखा जा सकता है, हर जगह हम इसको देख सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, पहला, शरद की चांदनी में कोइया की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती हैं। दूसरा, इस पुष्प की गंध अत्यंत मादक होती है। अगला प्रश्न है, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? अब बेटा फूल चाहे वो कमल हो, हर सिंगार हो आदि के जो फूल होते हैं वो मन भावन गंध बिखेरते हैं। पीली सरसों के खेतों में भी तेल की जो गंध है वो तैर जाती है। फूल गंध तो देते हैं, इसके साथ साथ वो दवा का काम भी करते हैं। पहला, विश्वनाथ के गांव में भरभंडा खूब होता है जिसे सत्यनाशी भी कहते हैं। यह फूल दवा का भी काम करता है। आंखें आ जाने पर इसका दूध आंखों में लगाने से वह ठीक हो जाती है। दूसरा, नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं, इससे वह ठीक हो जाता है। तीसरा, बेर का फूल सूंघने से बर्रे व ततैये का डंक झड़ जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फूल केवल गंध ही देने का काम नहीं करते हैं बल्कि वह दवा का भी काम करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने वाले उपाय का विवरण दीजिए। तो गर्मी और लू से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। पहला, गर्मी और लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देना, इससे भी लू नहीं लगती है। दूसरा है, कच्चे आम का पन्ना गर्मी और लू से बचाता है। तीसरा, कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी मिलाकर उसका शरबत बनाकर पीना चाहिए, इससे भी लू में बचाव होता है। नेक्स्ट, कच्चे आम को भूनकर गुड़ या चीनी मिलाकर शरीर में लेपना या नहाना भी उपयोगी रहता है। पांचवा, कच्चे आम को भून या उबालकर सिर धोने से भी गर्मी और लू से बचाव होता है। तो ये थे बेटा गर्मी और लू से बचने वाले उपाय। अगला प्रश्न है, आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? बेटा आज की जो औद्योगिक सभ्यता है, हम देख रहे हैं जो आजकल जो सभ्यता है जहां हम नदियों को माता मानते थे, लेकिन आज की सभ्यता के अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं और उसे कई रूपों से हम दूषित कर रहे हैं। पहला, कूड़ा कचरा फेंक कर लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा भी नदियों में बहा दिया जाता है, इससे नदियाँ प्रदूषित हो रही है। दूसरा, पूजा सामग्री बहाकर हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र मानकर नदियों में बहा दिया जाता है जिसके कारण नदियां अपवित्र होती जा रही हैं। तीसरा है, कल कारखानों का रासायनिक पदार्थ उद्योगों और कारखानों से निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है बेटा वो नदियों में बहा दिया जाता है जिससे नदियों का पानी जहरीला होता जा रहा है, अब वह पीने लायक नहीं रहा है। अगला है, नदियों का निरंतर रख रखाव ना करना। नदियों के प्रति लापरवाही के कारण इनके नियमित सफाई व रख रखाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे वह गंदे नालों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है,
लेखक के विचार में हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वास्तव में वह उजाड़ की अप सभ्यता है। कैसे? तो बेटा, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता समझने का भ्रम पाले हुए हैं, वह वास्तव में विकास ना होकर हमें उजाड़ की ओर ले जा रही है और यह अप सभ्यता है। इस सभ्यता ने पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर दिया है, मौसम का चक्र बिगाड़ कर रख दिया है, समय पर बारिश नहीं होती है। तो इसका कारण है हमारी खाऊ उजाड़ू सभ्यता, और यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। और लेखक की ये पर्यावरणीय चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित ना होकर सार्वभौमिक है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगी हुई है, और इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने खींची है। अगला प्रश्न है, यह फूस की राख नहीं उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। सूरदास की झोपड़ी में भैरों ने आग लगा दी थी, झोपड़ी जलकर राख हो गई थी, झोपड़ी का फूस राख में परिवर्तित हो चुका था। सूरदास को झोपड़ी के जल जाने का उतना दुख नहीं था जितना अपनी सारी जमा पूंजी के नष्ट हो जाने का था। सूरदास फूस की राख में से अपनी उस पोटली को ढूंढ रहा था जिसमें उसकी जीवन भर की जमा पूंजी लगभग 500 रुपये या उससे ज़्यादा था, वो उसने एकत्रित कर रखा था। उसने सारी राख को खंगाल डाला पर वह पोटली हाथ ना आई। वह राख मानो उसकी अभिलाषाओं की राख थी, अर्थात उसके मन की सारी इच्छाएं नष्ट होकर रह गई थी। सूरदास ने इस जमा पूंजी से कई अभिलाषाओं की पूर्ति करने की बात मन में सोच रखी थी। वह इन रूपों से पितरों का पिंडदान करना चाहता था, अपने पुत्र मिठुआ का ब्याह करना चाहता था और गांव में कुआं भी बनवाना चाहता था। तो राख की थैली ना मिलने पर उसकी अभिलाषाओं का अंत होता नजर आया और उसे लगा कि वह अपने अभिलाषाओं की राख पर बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है, बच्चों का माँ का दूध पीना ये मन नहीं है बेटा, माँ है। बच्चों का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है बल्कि माँ से बच्चों के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। इस कथन पर अपने विचार रखिए। जन्म के उपरांत बेटा बच्चा भोजन के रूप में माँ का दूध ही ग्रहण करता है और वह काफ़ी समय तक माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है। माँ अपने आंचल में छुपाकर बच्चे को दूध पिलाती है और वह बच्चे का केवल दूध पीना ही नहीं है, इस क्रिया के साथ माँ बच्चों के सारे संबंध चरितार्थ होते हैं। माँ बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। बच्चा माँ की गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी वह माँ से चिपटता है तो कभी माँ को पैर मारता है। माँ को बच्चे की ये सब क्रियाएं अच्छी लगती हैं और वह इन क्रियाओं के दौरान बच्चों को प्यार करती है, उसे अपनी स्नेह छाया से दूर नहीं होने देती। वैसे वह स्नेहवश कभी कभी उसे मारती भी है, तब भी बच्चा माँ से ही चिपटा रहता है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पेट में अपनी जगह ढूंढ रहा है। माँ की गोद में लेटकर बच्चे का माँ का दूध पीना जड़ से चेतन होने वाली मानव जन्म लेने की सार्थकता प्रदान करता है। हम बच्चे के द्वारा माँ के दूध पीने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है, आज मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा पहले गिरता था, इसके क्या कारण हैं? आज मालवा में वैसी बरसात नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। पहले के मालवा के बारे में कहा जाता था, मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। परंतु अब यह पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला, विकास की औद्योगिक सभ्यता ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है, इससे पर्यावरण बिगड़ा है, मौसम चक्र बिगड़ा है और इस पर्यावरणीय विनाश से मालवा भी नहीं बच पाया है।
दूसरा है वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को बढ़ा दिया है। तीसरा है औद्योगिक विकास के कारण अब मालवा में वायु प्रदूषण दिखाई पड़ता है, वनस्पतियों का विनाश हो रहा है, अब मालवा के लोग भी मालवा की धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए अब जब से मालवा में औद्योगिक विकास होना शुरू हुआ है तो मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करता था। अगला प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ से सांपों के विषय में हमें क्या जानकारी मिलती है और इस जानकारी में किन अंधविश्वासों का उल्लेख है, स्पष्ट कीजिए। बिश्नाथ के गांव में मैदानों, खेतों और तालाबों में कई प्रकार के सांप होते हैं। सांप को देखने में डर और रोमांच दोनों है। कुछ सांप विषैले तो कुछ विषहीन होते हैं। डोढ़ा और मजगितवा ये विषहीन होते हैं, इनमें जहर नहीं होता है, और डोढ़ा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का यानी ब्राह्मण जाति का मानते हैं। धामिन भी विषहीन है लेकिन वह लंबी होती है और मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाता है। सबसे खतरनाक गोहुअन है जिसे गांव में फेंटारा कहते हैं और उतना ही खतरनाक घोर कड़ाइच जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिना कर मरता है। भटिहा जिसके दो मुंह होते हैं। आम पीपल केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं और इन सांपों को लेकर कुछ अंधविश्वास भी है। पहला, सांपों का जो जातिगत विभाजन है यह अंधविश्वास को ही दर्शाता है। दूसरा, डोढ़ा और मजगिदवा को वामन जाति का मानने के कारण ना मारना ये भी अंधविश्वास ही है। धामिन विषहीन होती है लेकिन इस जाति के सांप के मुंह से कुछ पकड़कर पूंछ से मारने पर अंग का सड़ जाना ये भी लोगों का अंधविश्वास है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा ये आपके तीन जो पाठ थे उसमें से मैंने कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।